हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फिलहाल सुबह सुबह नॉट अ गुड न्यूज, मिकुड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम सोच रहे हैं कि उसके बिना ही चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी तबीयत खराब में वहाँ जाएगी और ज्यादा तबीयत खराब होगी, परेशान होगी, तो इससे बेटर है कि वो यहीं रुक जाए। बाकी देखते हैं, अंकल आंटी भी फिर चिल्लाएंगे अगर ऐसी तबीयत खराब में हम ले गए उसको। तो अब यार, या तो शाम तक उसकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि हम लोग खराब हो जाए, अरे मतलब सॉरी, शाम तक उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो तो देखते हैं, एक बार सोचेंगे। बाकी एक बार उससे भी पूछ लेते हैं, उसको भी बोल देते हैं कि भाई समझा देते हैं कि तबीयत खराब में जाएगी तो परेशान हो जाएगी। गाइस, उसके साथ आज प्रैंक हो रहा है कि उसको हम लोग नहीं लेके जाएंगे। देख देख देख, चप्पल पहन, चप्पल चप्पल चप्पल, हीटर पे जा रहा हूं। सही हो गई? हां हो गई सही। हम लेके नहीं जाएंगे, ऐसी तबीयत खराब रही तो मैं बैठ जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी। चलो गाइस, चलो थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराई जाए ट्रिप से पहले। संजीव भाई के जा रहे हैं हम लोग सब के सब। तेरी तबीयत खराब है तो तेरे को देख के जो लग रहा है ना, जाऊंगी। डांटी पड़ी है। मैं तो जाऊंगी। लू को छा के जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर, नहीं रुकूंगी। जाने के तैयारियां हवा आ चुके हैं साइलेंट सीजर, और इसकी हालत हो चुकी है खराब। मुझे तो इसकी सॉरी ही लग रही है। तुम मेरे बिना जाके दिखाओ। तो दोस्तों, हेयर कट बियर्ड सेट ऑलरेडी हो चुका है, और यशी अभी गई है नायका स्टोर, कुछ उसको मेकअप वेकअप या जो भी पता नहीं क्या खरीदूंगा, स्किन केयर में भी मुझे नहीं आइडिया, सनस्क्रीन वगैरह खरीदनी है शायद से। मैं कार में ही बैठा हूँ, और उसके बाद यशी को प्यूमा से शूज़ भी लेने हैं, और फिर घर जाके हम लोग को थोड़ा बहुत शूट करना है, उसके बाद पैकेजिंग करनी है, सबको बुलाना है, सबकी पैकिंग वैकिंग करनी है, फिर वापस आएंगे हम लोग, थार लेनी है संजीव से, और उनको I20 देनी है। ओह माय गॉड, सो मच ऑफ वर्क। कि अभी जो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि हम लोग जैसे अब रात भर हम लोग लेट तक सोते हैं, मैं आज कोशिश करूंगा कि 8-9 बजे के आसपास सो जाऊं, क्योंकि सुबह उठते ही हम लोग निकलने का सोच रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच, मतलब 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे तक यानी हम निकल जाएं यहां से, ताकि टाइमली पूरा हम पहुंच जाएं। ओ गाइस, हमें ना बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम, लेकिन वो सब छोड़ के हम जा रहे हैं चला जोर गरम खाने, क्योंकि हमें वो बहुत टेस्टी लग गया था। और सच में हम घर आ गया था, घर से मुड़ के वापस जा रहे हैं हम, और हमें भूख लग रही भयंकर। हैप्पी बर्थडे। आपकी दिक्कत है, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। लखन भाई कहाँ हैं? लखन अभी पीछे आएगा, अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में आएगा। कल ऐसे नाच में था, खराब होने था। हाँ हाँ, हैप्पी बोला था कि डॉक्टर ने बोले रेस्ट कर लेना है ना, रेस्ट कर लेना, जब तक तो समझ में नहीं आई, अब जब जा रहे अब पड़ गया, यहाँ आके पड़ गया। भाई बिल्कुल सही, मारेगा तो आगे तो लाल ही होगी ना, गर्म हो रहा है कितना। अरे तो भाई भाई, तो इधर बैठा हूँ इसलिए गर्म हो रहा हूँ ना, बोला जरा ना, जुकाम और हो गई। अरे नहीं, जुकाम ज्यादा हो रही है बस, ये देखो ज्यादा हो गई, बाकी तो सब सही है। जुकाम की तो मैं दवाई लिया है भाई। जी, हम आपको ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। आपके आपकी मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मैं सो रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तुम लोग अभी शॉपिंग कर रहे हो? गाइस, मैं ना अभी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सोने का ट्राई मार रहा हूँ, कि अगर मुझे अभी नींद आ जाती तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ सकूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग इन 3 o'clock, 3 बजे उठने की मेरे को ट्राई करनी है, तो इसलिए मैं एक नैप मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर नैप आ जाए। ये लोग सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं है, पतंग उड़ाने ने मुझे जाने नहीं दिया। तुझे कुछ चाहिए तो अभी बता दे, बाद में बोलना मत मुझे। परफ्यूम, कंघी, तेल, पाउडर, क्रीम। तो तुम्हारी शॉपिंग खत्म करके आओ पहले तो एक बार। हम तो इंसान ही नहीं, अभी तो सोना ही नहीं है। तो तुम तो गाड़ी में सोते हुए जाना ना। ओ यस, यार थार भी लेकर आनी है अभी तो यार। अरे यार, वो लेके आएंगे नेक रेस्ट, क्योंकि सबकी गर्दनों में दर्द हो जाएगा। हाँ, और वो 99 वाली शॉपिंग में नेक रेस्ट ही आएंगे वहां से, है ना। ज्यादा पैसे मत खर्च करना, ट्रिप से ज्यादा बजट तुमने यही कर दिया। ओह माय गॉड, मेरे चक्कर में निकल नहीं पा रहे यहाँ से। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो यार सुबह का रेडी वेट कर रहा था। हाँ, 11 बजे आ रहा था दिन में। इतना लगेज अलाउड ही नहीं है, इतना लाउड ही नहीं है भाई, गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं है, या तो गाड़ी चल लो या फिर अपन चल लो, या तो लगेज भेज दो मनाली। फिर वो तो लग ही रहा था, फिर मैं जूते हाथ में लेने का गाड़ी के नीचे। थार के अंदर तो लगेज आएगा नहीं, ये तो खुद अपने आप में लगेज है बहुत बड़ा। ऐसे मत करो यार, बाल बाल कटा गया है। क्या ये ड्रोन है? ड्रोन कैमरा तो मैं रखवा लूंगा, ये तो जैकेट कुत्ता भर के लाया है। अरे बस के जाने साले, दो जैकेट है बस इसमें, बाकी निकाल लूंगा अभी। सर्दियों में ये दिक्कत है बहुत यार, दो जैकेट तो ऐसे पूरा फुल जाता है। बताओ देख, अपने पास कितने चलाने वाले हो गए? मैं, ये, भानु, हितेश, 4 दिन हो गए, 2 जनों को सोना बहुत जरूरी है।
सही है तो मैं और भी खुश हो जाएंगे। सही प्लान है। हां मैं तो थोड़ी देर में बोल रहे थे। अब वापस मीम बनेगा मोए मोए। चलो चलो मेरे पे मोए मोए बनाते हो तुम। चले ना कहां जाना है? 6:20 होगी। अबे 3 बजे जाना था आपको। क्या 3 बजे का बोला था? 3 बजे निकलेंगे पहले बता देना यार। सुबह से बोल रहा है वो 3 बजे निकलेंगे और आपको 3 बजे बुलाया था, आप 6 बजे आ रहे हो तो 3 तो भी बजेगी ना। कल के 3 बजे निकलेंगे। अब आप लेट हो गए तो अब कल निकलना पड़ेगा। क्यों अभी चलते ना उल्टा? अभी चलते ना उल्टा उल्टा थोड़ी जा रहा, हमें सीधा जा रहा, इसलिए 3 बजे निकलेंगे सुबह। अबे सीन है सर, सुबह निकलेंगे, शाम तक उजाले उजाले में पहुंचेंगे गाड़ी। पीकू के ऊपर प्रैंक कर रहे हैं कि इसको नहीं लेके जाएंगे। ठीक है इसको, बेकार इंसान है। He's useless. आज करते फैसला सुन भाई, इसके ना अभी रोने चालू हो जाएंगे सुबह बैठते ही। भैया भैया घबराहट होगी, उल्टी आ रही है, यू करे उल्टी आएगी मतलब क्या भैया मुझे आगे बैठना है भाई, इस बार नहीं चलेगी तेरी आगे पीछे। प्रॉब्लम है तो है, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं, लेके चलेंगे। प्रॉब्लम घर छोड़ के जाओ अपनी, दादा घुमा के लाऊं, कपड़े दिला ला मुझे भाई। खराब है जिंदगी, खराब कर देंगे जिसको सुझा दे। 2 मीटर दूर रहो अब सबसे। सबसे मास्क भी खराब कर दिया तबीयत हमारे साथ नीचे तक। बोला था इसको चल ले, यार उसको उसका मजदूर का ध्यान रखना पड़ता है ना, इसके लिए नहीं जा रहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैंने बोला इसको चलने के लिए। देखो मैं हर बार सोचता था कि मैं इतना मोटा हूँ कि मैं पीछे एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा विद 3 मोर मेंबर्स, बट एक्चुअली हो गया। ये सारी गलती हितेश भी आ गई, हितेश भी एडजस्ट नहीं हो पाया। हमारी गाड़ी का मालिक है इसलिए एडजस्ट हो गया। दूर समझाना, गाड़ी चल रही है 40 मतलब ये वाला 70 की स्पीड में, अंदर मच्छर है। अच्छा तो मच्छर कितने स्पीड में चलेगा भाई साहब? जिसको आ जाए वो जवाब में कमेंट में जवाब। आप बताओ मच्छर की स्पीड से चलेगा? वो मच्छर तो उड़ता है, चलता थोड़ी है। क्योंकि 40 की स्पीड में तो गाड़ी चल रही है, तो मच्छर कितनी स्पीड में उड़ रहा होगा सोचो। आपको पता है तो कमेंट में बताओ, कमेंट्स में बता दो गाइस। हमारी शॉपिंग हो गई है, इस बार हमसे ज्यादा शॉपिंग तो हितेश भैया ने की है। हितेश जी लाए 12,000 रुपए कपड़े। कहाँ जा रहे हो आप? दिलाओ दिलाओ तो इतनी देर से आ जाते हैं आप? क्या हुआ टिकू भैया? देख रहे हो पजामा है, जूडियो 900 रुपए का है, 800 रुपए का है। मेरे को बड़ा 100 रुपए में लेकर क्या है? क्यों बार्गेनिंग बोलते हैं? बार्गेनिंग हो रही। गलती से ना उस काउंटर चला गया, गलती से चला गया एक्सचेंज काउंटर। तो किसी का 699 का कोई वाउचर होगा, उसने लिया नहीं होगा, उसने मेरे को पकड़ा दिया और बोला नंबर लिख दो। मैंने नंबर लिख दिया तो मेरे को इसका क्या करूँ? कह रहे हैं वहाँ पे चल जाओ उनको दे देना, वहाँ बिलिंग कराओ। वहाँ बिलिंग कराया तो उन्होंने वो मेरे से ले लिया 700 रुपए, लेस हो गए तो 100 रुपए का पड़ गया। 800 रुपए का पहुंचा भाई टिकू भैया, आपकी किस्मत ही है। जल्दी से घर जाओ, बैग लेके जल्दी से इधर पधारो। ओके दवाई भी ले जाओ। ओके बाय। चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, मम्मी डैडी आए हुए हैं, उनको लेके जाएंगे, थार लेके आएंगे, I-20 छोड़ के आएंगे। टीपू भैया 100 रुपए में पजामा लिया है। 100 रुपए का नहीं है ये, मम्मी 800 रुपए का है ये, तो आज इनकी किस्मत चमक गई। चमक गई, 700 का डिस्काउंट मिल गया। अरे तो अंकल के लिए लिया। अरे तो 800 रुपए की है। अरे किसी और का वाउचर था और वो लेने भूल गया होगा, तो उसको लगा मेरा वाउचर है, उसने मेरे का साइन करवा के मेरा नंबर लिख के वाउचर दे दिया मुझे। और ये डिब्बे ले भी आए। जाओ हम लोग जा रहे हैं फिर। ठीक है ध्यान से जाना और ध्यान रखना अपना। ठीक है हम बहुत भयंकर ट्रेडिंग करने आए हैं संजीव भैया से। हम उन्हें I-20 देके थार लेके जा रहे हैं। अच्छा मैंने देखा क्या हुआ। भैया का सामान हम ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी नई गाड़ी में। सारी चीजें क्लियर है, सब क्लियर, गाड़ी चलाने वाला। ओके भैया मजा आ गया। यशी थैंक यू सो मच भैया, इतनी अच्छी गाड़ी तो दे दी, अब कोई टेंशन है भी नहीं। और प्रॉब्लम हुई तो सूरज का फोन है वो तो चलो थैंक यू सो मच भैया, बाय। मिलते हैं हम लोग मनाली से आके। बाय बाय। यस जलूर से। डन डन डन। कुछ लिया ना मनाली से? डन। मनाली का स्टैचू ये नहीं होता। यार भैया के लिए क्या गिफ्ट लाए? अगर ब्लैक कलर का। हाँ ये तो फिक्स है कि ब्लैक, अब लाना क्या है वो देख लेंगे। वो देख लेंगे। डन भैया डन डन डन। बाय बाय।
हम लोग बैठ चुके हैं धार में और हमें बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा मुझे ना सेकंड फ्लोर पे बैठी हूँ मैं और फिर गाड़ी चल रही है। पर ऑल थैंक्स टू संजीव भैया, उन्होंने हमें लास्ट मिनट गाड़ी करके दी। और पता है आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, संजीव भैया ने हमें अपनी वाली थार ना देके किसी और की थार दी है, मतलब अपने किसी फ्रेंड की थार दी है जो ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब उसमें क्या, थार में पीछे सीट वीट का ज्यादा कंफर्ट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो उन्होंने हमें नई लाके दी। वह उनकी बदौलत आज हम इसमें सब कुछ लग रहा है, सब कुछ है पीछे। मतलब आप आराम से, आपको दिखाऊंगी, मतलब हम लोग जाएंगे तो हम दिखाएंगे। और अभी हम लोग को सूरज के लिए इनर लेना है और भी दो तीन चीजें ले ली है, उसके लिए हम जा रहे हैं। बहुत को बड़ा अलग सा लग रहा है इस गाड़ी में, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आ जाए उसके ऊपर से कूद जाऊंगी। गए हमें सूरज और प्रशांत सर के लिए क्या इनर चाहिए थे, मिल गए। अब हम लोग ना नेकलेस ढूंढ रहे हैं। अब ये नॉर्मल ऐसे शॉप पे किसी पे नहीं मिलेगा, हमने एक पे देखा बट वहाँ नहीं मिला। हम लोग जा रहे हैं नेशनल हैंडलूम के आगे ना, बहुत सारे ऐसे दुकान लगा के बैठते हैं, वहाँ जरूर मिलेगा। हम लोग नेकलेस लेने आए हैं नेशनल हैंडलूम में, अब बस हमें मिल जाए। यहाँ तो कहीं नहीं दिखा, ऊपर देखते हैं। लेट्स सी। तो मैं खरीदे तो नहीं वाली थी बट मुझे ऐसी दुकान दिख गई, तो मैं लेने वाली हूँ कुछ ऐसे शूज। मुझे ना ऐसे बूट्स चाहिए थे बहुत टाइम से, तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे मिल गए कंफर्टेबल तो मैं ले लूंगी, अदरवाइज तो ठीक है फिर उसके बिना भी चल जाएगा मुझे। ट्रिप के पहले जो इतनी स्ट्रेस होता ना उसके चक्कर में सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं जाके स्वीट कॉर्न खा पा रही हूँ। पर देख रहे मैं कितनी हेल्दी चीज खा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब पूरे दिन कुछ ना खा के भी मैं हेल्दी चीज खा रही हूँ। क्या खा रहे हो? अब खा रही हूँ मशरूम टिक्का। गाइस हमें मशरूम टिक्का दिख गया यहाँ, क्या मशरूम है भाई, मशरूम भी अच्छी आ रही है। लोग आ गए हैं थार में डीजल फुल कराने, क्योंकि रात को हम 3 बजे निकलेंगे तो कुछ पता नहीं है हमें कहाँ कुछ मिले ऊपर नहीं मिले, तो इसके लिए हम सेफ्टी से पहले ही सब कुछ फुल फराक से धूप करा के जा रहे हैं। दोस्तों 3.5 घंटे में सो लिया हूँ, अब मुझे नींद नहीं आएगी, सुबह तक आराम से ड्राइव करूंगा, उसके बाद तो फिर चेंज करते रहेंगे हम। ये भी पावर नैप लेने वाला है अभी, फिलहाल मैं खा रहा हूँ अपने दाल चावल। तेज जी तो दवाई खा के सो गए ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उठेगा तब तक तो थोड़ा बेटर फील करेगा, चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे में ठीक है? सब सही है, सोऊंगा 2 घंटे। हाँ तो सो जा, तेरा तरह का क्या सीन, देख तो बिना सेटल घूम रही है। नहीं नहीं वो कर रही थी, खा रही थी, खाई थी, फिर डाल रही थी। भाई से कभी हाथ हाथी से ठंडी हो रही हूँ भाई, बर्फ लगा के अंदर से जुकाम की छुल छुल कर रही है। दवाई खा ली इसलिए तूने थोड़ा सा ठीक लग रहा है? नहीं अब कहूंगी रात की दवाई तो बर्फ में कैसे रहेगी ये? इसको लेके जाना है, लेके जाना, ये वायरल है। 10,000 रूपए खर्च कर दिए मैंने शॉपिंग पे, अब जाना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अब तो जाऊंगी, यहाँ फोटो क्लिक करा व्हाइट कर दूंगा मिट्टी को। इसके घर वालों ने बोला था अगर तबियत ठीक नहीं हो तो इसको नहीं लेके जाना, उसकी तबियत ठीक नहीं है, मैंने इसको पहले बोला था अगर तबियत ठीक नहीं हुई तो नहीं लेके जाएगी, तो नहीं लेके जाएगी। मैं जाऊंगी। नहीं कैसे जाएगी, कोई मतलब नहीं है अब वहाँ, तेरे को देख वहाँ हमारा थोड़ी पता है कहाँ हॉस्पिटल है, अपने लेते भगेगी, रिपोर्ट खराब कर देगी। हाँ अच्छा अच्छा लगेगा मेरे बिना जाओगे? हाँ और क्या, बहुत अच्छा लगेगा। अब आप गए, एक बैग और कम होगा है। हाँ यार ये अच्छा लगेगा, सिर्फ 6 जगह जाएंगे ट्रिप पे, अच्छा लगेगा। सिर्फ 6 तो बहुत है। हाँ, पहले चार ही तो मस्त लेट के जाएगा गाइस, लेकिन मैं तो जाऊंगी। तुम मुझे एक बात बता, मनाली तक पहुंच जाएंगे? मनाली में इतनी बर्फ है, उसके बाद सिसु में तो बर्फ स्नोफॉल हो सकती है ऐसा बताया गया है, फिर ऊपर बर्फ ही बर्फ है, कहाँ रहेगी वहाँ पे बर्फ? बर्फ 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 ही है दीदी, देख लो ये ट्रिप खराब कर सकती है, इसका क्या करना है बताओ भाई। जाना तो मेरे को पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वहां जाके बीमार पड़ गई जब, तो कोई बात नहीं, मैं दवाई खाऊंगी, जाऊंगी 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 जाऊंगी। नहीं हमें अच्छा लगेगा तू अगर बीमारी में रहेगी तो, भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तू तो बीमार पड़ जाएगी, फिर बाकी के लोग भी होटल में पैक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब तो मेरे लिए तसल्ली करो। नहीं हां देखो तो मैं बताऊं, चल भाई इसके लिए इतनी दूर जाए और वहां होटल में बैठे रहे, इसके लिए सुन ले जाए तेरी ट्रिप अगली करियो जनवरी में, जनवरी में जाएंगे वापस कश्मीर चल लेना, मैं तो लेके जा रहा हूं इसको। यार गाइस ये कोई बात हुई, मैं क्या बात करूं इससे, मैं पता नहीं, अंकल को भी फोन कर लो, क्या टाइम हो रहा है अभी, अंकल जग रहे हैं क्या? अंकल हेलो, मैं से कह रहा हूं सुनो, मिकुड़ी को छोड़ देगी यहीं पे, मिकुड़ी को? हाँ। भाई डैडी ये कोई बात हुई क्यों, क्या हुआ? इसी हाँ इसकी तबीयत ठीक है नहीं जबरदस्ती? मेरी तबीयत ठीक है, कोई ठीक नहीं है, ये चिल्ला क्यों रही है? तो यार ये बताओ अभी मेरे को लेकर नहीं जा रहे तो वो चिल्लाना पड़ेगा। क्यों चिल्लाना पड़ेगा भाई, तबीयत खराब है तो है ना अंकल, छोड़ देता हूँ आप आ जाना सुबह। हाँ सुबह मैं ले लूंगा, कवर कर लूंगा। हाँ क्या कर लूंगा, कवर अंकल इसको हम छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको सुबह ले जाना। जाओगे नहीं, यही रहोगे, यही पर रहोगे, यही पर रुक जाना। ठीक है यार रुक, फ्लैट भी छोड़ के जा रहे हैं इसको, फिर आप देख लेना। अरे पागल हो,
एडिन को बताओ कि कि मेरा जाना जरूरी है। हमें पता है ना, हमें परेशान करती है, पूरे रास्ते बीमार हो रही है, पड़ जाती है पागलों की तरह। सुनो के कहा, अरे ये क्या बोलते हैं डैडी, वहाँ पे कुछ अते पते भी नहीं है, वहाँ इतनी ठंड है, बर्फ है। तो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जाऊंगी। अभी आप यार जब बोल रहा था पहले पहले सूटर पहले, जब तुझे समझ में नहीं आई, अब बैठी है तो मेरा मेरी तो वो ही नहीं हुई, कोई मेरे तो किसी ने फैसला सुना ही नहीं। सुना दिया, क्या सुनाना चाहती है? मरीज बोल रहा भैया हाँ मुझे छोले भटूरे खाने, डॉक्टर कह रहा नहीं सेब खाना, क्यों वो है खा ले तू। क्या एक मिनट सुन लो एक बार, क्या बोल रहा है? मेरा ये फैसला है कि मैं जाऊंगी, बस थक हो गया ना फैसला, मैं जाऊंगी। और आपका क्या फैसला है? डॉक्टर जी बता दो, व्हाइट कलर की बर्फ देख, ये देख खूब बर्फ है, खा भी ले अब तो, तू खा ले तबीयत खराब कर दो इसकी। ओ यार पूरा जम गई, देखो 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 खा ले गाइस जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो कि मत लेके जाओ, मेरे को जाना चाहिए, कमेंट कर देंगे पहुंच जाएंगे। दवाई ले कम्बल सो जा, अभी तो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी। अरे राम के सर, अरे ये खोल दिया, मैं देखो ये कमरा फाटेगा, बर्फ जैसा कैसे हो रहा है। ए बिजली बोल, जाऊंगी देखा गाइस, नो कमेंट्स की जरूरत। हाँ रोने लग गई, कैसे कैसे इसको छोड़ के जा सकते हैं हम लोग। ये तो पता ही था, तबियत थोड़ी सी ठीक होगी, लेकिन सुबह हमने डिसाइड कर लिया था अगर इसकी तबियत खराब रही तो तबियत में खराब लेके जाते हैं देखो, वहाँ पर बैठा वहाँ पर इतनी ठंड में से। अरे नहीं मैं भी सुबह सोची थी अगर ज्यादा होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ अब तो सब सोचेगी, और अगला व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि 12 बज चुके, अगला दिन शुरू हो चुका है।